गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल डिजाइन प्रोसीजर। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जनरल डिजाइन प्रोसीजर होता क्या है? किसी भी इक्विपमेंट की डिजाइन करनी काफ़ी कठिन होती है, तो उसको लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, लेकिन जनरल डिजाइन प्रोसीजर की कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है स्पेसिफाई दी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे कि किस चीज़ पर हमको डिजाइन बनानी है। माना कि हमको एक डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन करना है, तो डिस्टिलेशन कॉलम में कौन कौन सी कंपोनेंट और कौन कौन सी प्रोसेस का यूज करना है। दूसरा आपका है एनालाइजिंग द प्रोबेबल सॉल्यूशन। कोई भी मेथड है, उसका कौन सा मेथड जो है जो सबसे बेस्ट है, उसकी हम स्टडी करेंगे। जैसे मान लें कि डिस्टिलेशन कॉलम हमने लिया, तो उसके लिए कौन कौन से बेस्ट मेथड होंगे, कौन से बेस्ट मटेरियल होंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो प्रोबेबल सॉल्यूशन हमें उसका फाइंड करना है। उसमें लगने वाले केमिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज का हम एनालिसिस करेंगे। डिस्टिलेशन कॉलम में माना कि रॉल्ट लॉ बेस्ड होती है, तो इस तरीके से सेटिस्फाई कंडीशन का भी हम एनालिसिस करते हैं। चौथा आपका है सेलेक्टिंग मटेरियल एंड स्ट्रेसेस टू सूट प्रोसेस कंडीशन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की स्टडी करेंगे, कौन सा मटेरियल कब बेस्ट रहेगा और कौन से स्ट्रेस कब कब लगते हैं। पांचवा आपका है इवेल्युएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग दी डिजाइन। उसके बाद हम डिजाइन जो बनाएंगे उसको हम मूल्यांकित करेंगे कि कहाँ पे बेस्ट है, कितनी कॉस्ट लगेगी, और उसमें से हम बेस्ट डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद भविष्य में होने वाली डिजाइन के लिए हम कुछ कोटेशन को नोट करते हैं। जब हम अगली डिजाइन बनाएंगे तो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक जनरल डिजाइन प्रोसीजर। इसके 6 स्टेप हैं। पहला आपका स्पेसिफाई दी प्रॉब्लम, दूसरा एनालाइजिंग दी प्रोबेबल सॉल्यूशन, तीसरा अप्लाइंग केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मशीन्स, फोर्थ सेलेक्टिंग मटेरियल एंड स्ट्रेसेस टू सूट प्रोसेस कंडीशन, एंड इवेल्युएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग दी डिजाइन, एंड लास्ट प्रिपेयरिंग दी ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसको तैयार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।